हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जानवी आईटीआई का यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रेक्टिफायर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे या जानेंगे कि किस प्रकार से रेक्टिफायर काम करता है, कैसे हम रेक्टिफायर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, ठीक है, अब रेक्टिफायर हम यूज़ कर लेते हैं, जान लें हम रेक्टिफायर का हम जो यूज़ है एसी को डीसी में बदलने के लिए लेते हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी हम जो है रेक्टिफायर का यूज़ लेते हैं। अब इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं, पहले हम उसे एक ब्लॉक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि हम किस प्रकार से रेक्टिफायर को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब हम जो हमारे पास एसी जो गर्मी प्राप्त हो रही है हमको, ठीक है, उसको हम किस प्रकार से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इतना कुछ वो है नहीं इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें जो प्रोसेस की है, जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है आपका, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो हम टॉपिक डाल लेते हैं हमारा रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस मतलब कि हम किस प्रकार से एसी को डीसी में परिवर्तित या बदलते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस की बात करें तो हम इसे एक ब्लॉक डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी एसी सप्लाई होती है, ठीक है, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस सप्लाई को आपके इस सप्लाई को स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो हमारी 250 वोल्ट या 240 वोल्ट जो भी हमारी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, इसको हम सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके वोल्टेज को डाउन करेंगे। एसी वेव हमारी ये है, ठीक है, इसको डाउन करने के बाद हम हमारा बढ़ेंगे रेक्टिफायर सर्किट की तरफ। यहाँ पे हमारा होगा रेक्टिफायर, ठीक है, यहाँ पे हमारा होगा रेक्टिफायर सर्किट, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू हमारी जो एसी है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वीडियो में हम आगे देखेंगे किस प्रकार से वो डीसी में कन्वर्ट होती है, ठीक है, किस प्रकार से हमारे पास जो वेव जो है तरंग जो है निकल करके हमको मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद से आगे आगे हम इसमें यूज लेते हैं रेक्टिफायर सर्किट के बाद फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट हम यूज में लेते हैं, ठीक है, इसके बाद से हम इसमें यूज में लेते हैं रेगुलेटर्स। और हमें लास्ट में यहाँ पे आउटपुट में हमें मिलने क्या लगाता है, हमें आउटपुट में मिलता है डीसी, डीसी हमें मिलती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये डीसी ये आपके शुद्ध या प्योर डीसी है, शुद्ध डीसी, या आप कह सकते हैं ये रेगुलेटेड डीसी है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम था जिसके जिससे हमने समझा कि किस प्रकार से हमारे एसी जो है डीसी में कन्वर्ट होती है। अभी इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के। सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो इनपुट वेव होगी जो कि एसी होगी, ठीक है, एसी होगी। अब इस एसी में क्या होगा, इस एसी में क्या होगा, इसमें जो है आपके
साइन वेव होगी, ठीक है, ये साइन वेव है। इस साइन वेव को सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसकी जो वोल्टेज है 250 वोल्ट, इसको हम डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा डीसी हम जो यूज़ में लेते हैं वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होते, ठीक है। डीसी हम लो वोल्टेज हमेशा यूज़ में लेते हैं, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हम रेक्टिफायर भी बनाते हैं, 6 वोल्ट का रेक्टिफायर, 12 वोल्ट का रेक्टिफायर, 24 वोल्ट का रेक्टिफायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसके बाद से हम रेक्टिफायर सर्किट लगाएंगे, जो कि हम आगे हम देखेंगे किस प्रकार से रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं और कौन सा मेटेरियल या कौन से कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं जो हम इसमें यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपकी एसी वेव होगी, जो साइन वेव होगी, ठीक है, वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद अब क्या होता है, ये पूरी तरह डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इसमें एक फिल्टर सर्किट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फिल्टर प्रोसेस से पास होने के बाद आपकी जो वेव है डीसी वो थोड़ी बहुत और भी ज़्यादा शुद्ध होती है, ठीक है। अब इसमें सबसे इसके बाद से भी जब हमारे पास पूरी प्योर डीसी नहीं मिलती है तो हमें हमें क्या लगाना होता है, इसमें रेगुलेटर सर्किट लगाना होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम रेगुलेटर सर्किट लगाते हैं, इसमें क्या होता है, हमें प्योर डीसी हमें देखने को मिलती है। तो ये वेव क्या दिखा रही है, हम जानते हैं कि ये वेव हमारी किसकी है, ये वेव यानी ये तरंग किसकी है, हमारी ये डीसी तरंग है हमारी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहता है हमारा रेक्टिफिकेशन का, ठीक, कि हम एसी को डीसी में सबसे पहले कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हमने बात किया, जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर, ठीक। तो रेक्टिफायर यदि हमारा टॉपिक का नाम है तो हमने जान लिया कि भाई रेक्टिफायर प्रोसेस होता क्या है। अब हम इसमें जानेंगे कि रेक्टिफायर बनाने के लिए हम किस कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम इसमें जो यूज़ करने वाले हैं रेक्टिफायर बनाने के लिए, हम जो यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है, वो है हमारा डायोड, डायोड, ठीक है। क्या है इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने के लिए जो हमारे पास चीज़ आएगी, मतलब जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जैसे हम कहें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो आएगी हमारे पास रेक्टिफायर के लिए डायोड। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें पढ़ लें कि डायोड होता क्या है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम रेक्टिफायर नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो डायोड होता क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज दूंगा आपको, ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, ठीक। तो डायोड होता क्या है, डायोड एक सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक है ये एक, ठीक, क्या है, सेमीकंडक्टर, ये एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, यानी एक अर्धचालक है। अब ये करता क्या है, ये जो अर्धचालक है ये आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना हुआ है, एक तो आता है इसमें आपके पी टाइप मटेरियल और दूसरा आता है इसमें एन टाइप मटेरियल, ठीक है। तो हम पी और एन को जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बन करके आती है, जो हमारे पास कंपोनेंट जो बन करके आता है वो कहलाता है हमारा डायोड, ठीक है। अब तो ये तो हमने जान लिया कि ये क्या है, पी हमारा एक अर्धचालक है, ठीक है, और एन क्या है आपके, ये भी आपके अर्धचालक है। तो दो प्रकार के अर्धचालकों को हमने जैसे ही संयोजित किया, ठीक है, हमारे पास डायोड बन करके आ जाता है, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं कि ये सिंबल इसका कैसे होता है, ठीक है। इसके हम सिंबल की हम बात करें तो देखें इसका सिंबल कैसे होता है। सिंबल जो हम इसका यूज में लेंगे वो कुछ इस प्रकार से लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने बात की भाई पी टाइप और एन टाइप से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें पी टाइप वाला भाग कौन सा है, पी टाइप वाला भाग आपके ये है, ठीक है, पी टाइप वाला भाग आपके ये है, और एन टाइप वाला भाग कौन सा है, आपके एन टाइप वाला भाग ये है, ठीक है। और मैक्सिमम हम बात करें जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस काम में लेते हैं, या हम कहें जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ जो हम काम में लेते हैं उनका हम यूज़ मैक्सिमम स्विचिंग के लिए करते हैं, किसके लिए, स्विचिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपके एक स्विच की बात ही है, हम इसको काम में लेने वाले हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानें कि इसमें जो है आपके करंट का फ्लो पी से एन की तरफ होता है, किसकी तरफ होता है, पी से एन की तरफ, हमेशा याद रखना, हमेशा करंट का फ्लो इसमें होगा पी से एन की तरफ, ठीक है। अब हम इसका देख लें कि ये प्रैक्टिकल में कैसे दिखाई देता है, तो प्रैक्टिकल में ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ और स्क्रीन पे आपको एक ये फोटो भी दिखाई दे रही है, ठीक है, कि कुछ इस प्रकार से हमारा डायोड
होता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा वाला हिस्सा हमारा P होता है और कौन सा हमारा वाला हिस्सा हमारा N होता है। ठीक है, तो हम बात करें इसमें, जैसे ये हमने बनाया है वैसे आपके ये हो जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है आपके ये हो जाएगा P और ये जो सफ़ेद पट्टी है ये हो जाएगा आपके N। ठीक है, P मतलब ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और N मतलब ये आपके नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायोड को पहचान सकते हैं। बाकी अब आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से फोटो मैंने दिखाई इसकी डायोड की। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में आपका डायोड कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं आपके डायोड, लेकिन अभी हम एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंबल होता है और ये इसका प्रैक्टिकल व्यू होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि रेक्टिफायर को हम काम में क्यों लेते हैं, तो हमने पहले ही बात कर ली रेक्टिफायर को हम क्यों काम में लेते हैं। रेक्टिफायर को हम काम में लेते हैं क्योंकि हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया कि हम एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एसी को डीसी में हम कन्वर्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसके बाद से रेक्टिफायर सर्किट लगाएंगे। तो हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने के बाद रेक्टिफायर बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए आपकी क्या, डायोड चाहिए। ठीक है, डायोड में फिर हमने ये देख लिया कि डायोड का सिंबल क्या होता है, इसके टर्मिनल के नाम क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये खुद एक प्रकार का अर्धचालक होता है जो कि पी प्रकार के मटेरियल और एन प्रकार के मटेरियल से मिलकर के बना हुआ होता है और कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम आगे हम बात करें और हम इसमें एक चीज़ और बता दें कि डायोड जो है हमेशा, ठीक है, डायोड जो है हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब एक ही दिशा में ये धारा का फ्लो या करंट का फ्लो करता है। ठीक, हमेशा जो आपके करंट है वो हमेशा पी से एन की तरफ आएगी, एन से पी की तरफ कभी भी नहीं आएगी, मतलब क्या कर देगा उसको, ये ब्लॉक कर देगा। ठीक, तो आप जब इस प्रकार से कनेक्शन करेंगे तो पी से एन की तरफ आपके जो है आपका जो करंट है वो पास हो जाएगा, मतलब आपका स्विच जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर आप इस तरफ से फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आप एक ऑफ स्विच की बात ही वो कार्य करेगा। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। अब हम जान लेते हैं कि हमारे जो रेक्टिफायर हम बने हैं कैसे, तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं रेक्टिफायर के प्रकार। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर प्रकार। ठीक है, तो रेक्टिफायर प्रकार की हम बात करें तो इसके प्रकार में हम देखेंगे कि हमारे पास रेक्टिफायर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, रेक्टिफायर हमारे पास दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बना देते हैं, रेक्टिफायर हमारे पास होता है दो प्रकार का। एक होता है आपके हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग रेक्टिफायर, और दूसरा होता है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग। तो ये तो हो गया आपके अर्ध तरंग और ये हो गया आपके पूर्ण तरंग। ठीक है, तो हमने रेक्टिफायर का प्रकार देखा कि रेक्टिफायर जो है आपके हाफ वेव होता है और फुल वेव होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें हमारा जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, कि हाफ वेव रेक्टिफायर हमें बनाना हो तो हम किस प्रकार से उसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रकार से बनाते हैं और इसकी तरंग किस प्रकार से निकल करके आती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।